हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जानिए कैसे दुश्मन को डोभालने दिया है युद्ध का मंत्र। शुरुआत हम कर रहे हैं चीन को दी गई चौतरफा चेतावनी से। विजयदशमी पर दुश्मनों को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने खुद युद्ध मंत्र दिया है। हालांकि अजीत डोभाल के बयान पर सरकार की सफाई भी आ गई है। सरकार ये कह रही है कि डोभाल का बयान चीन के लिए नहीं है। तो क्या था इशारों में डोभाल का बयान, जो कि वार्निंग के तौर पर चीन के लिए लिया जा सकता है, और कैसे चीन की चौखट से लेकर गंगा तट तक वार की धार बही, देखिए। इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको। हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की एक इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं। युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत, फिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। देश जब बुराई पर सच्चाई और असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मना रहा था, तब देश के लिए रावण रूप धारण करने वाले दुश्मनों को एक साथ कई मोर्चों पर साफ शब्दों में कड़ा संदेश दिया जा रहा था। विजयदशमी के मौके पर एनएसए अजीत डोभाल शनिवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश में मौजूद थे। परमार्थ निकेतन के कार्यक्रम में डोभाल ने वहां जो कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है, और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। ये बयान डोभाल ने शनिवार को दिया, लेकिन अब ये सबके सामने आया है। इस बयान पर सरकार की ओर से सफाई आई है कि ये चीन को लेकर नहीं दिया गया, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक सोच पर था। लेकिन बावजूद इसके ये बयान साफ करता है कि भारत युद्ध की धमकी या खतरे से नहीं डरता और युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है, और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। अजीत डोभाल ने शनिवार को जो तेवर तय किए, अगले दिन दो और बड़े दिग्गज उसी लाइन पर बोलते नजर आए। चीन की चौखट पर पहुंचकर राजनाथ सिंह ने भी ड्रैगन के लिए देश के इरादों को जाहिर कर दिया। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो, उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, और आश्वस्त ही नहीं हूँ, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की एक इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरे के मौके पर जवानों के साथ शस्त्र पूजा कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग के सुकना में जिस 33वीं कोर के मुख्यालय में ये बातें कही, उन पर सिक्किम और डोकलाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब देश की बागडोर संभालने वाली बीजेपी की विचारक संस्था आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की विस्तारवादी चीन को दी गई चेतावनी भी सुन लीजिए। अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में, हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको। अजीत डोभाल के बयान को सरकार भले नकार रही हो, लेकिन तीनों बयान की टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। चीन के साथ बीते करीब 6 महीने से तनातनी चल रही है।
समाधान के लिए 7 दौर की बैठक हो चुकी है और 8वें की तैयारियां चल रही हैं। अजीत डोभाल के बयान में भले ही किसी का नाम न लिया गया हो, लेकिन ऐसे माहौल में इतना इशारा काफी है कि निशाने पर कौन है।